हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू शोनास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। सो मैं आज बना रही हूँ पनीर टिक्का बिरयानी। उसकी थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन है। सबसे पहले तो मैंने बासमती चावल को धो के पानी में भिगो के रखा है और उसके लिए पानी भी बॉईल करने रख दिया है। मैं यहाँ पे अमूल पनीर यूज़ कर रही हूँ। सो उसका प्रोसेसर होता है यूज़ करने से आधे घंटे के पहले मुझे उसे बॉइलिंग वाटर में रखना है। सो वो मैंने पहले से कर दिया है। अब पनीर को पानी में से निकाल लूँगी। एंड ये है पनीर मैरिनेशन के लिए मैंने 3 कलर के बेल पेपर्स लिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ करना। यहाँ पे बॉक्स पीसेस किए हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। उसमें मैं अनियन बॉक्स पीसेस ऐड करूँगी। ये पनीर पानी में से अच्छे से निकाल के मैं इसमें ऐड करूँगी। एक लेमन, कर्ड, करियांडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, लहसुन एंड अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ये जो एक चुटकी है वो जो आता है अदरक का पाउडर, सोंड हम जिसे बोलते हैं, सोंड पाउडर, वो थोड़ा सा डालूंगी। जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। और इसमें एक चम्मच जितना ऑयल भी डालूंगी। सो ये सब मिक्सचर, कर्ड, लेमन, अनियन, पनीर, बेल पेपर्स, ऑयल, सब हम इसमें मिक्स करते हैं। और देखो पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। सो इसमें मैं बासमती चावल भी ऐड कर दूंगी। ऑनियन पीसेस ऐड कर दिए, पनीर एंड सब मसाले ऐड करके आपको बताती हूँ। मैंने सब चीज़ मिला ली है इसमें। अब ये बाउल को मैं प्लास्टिक रैप करके 15 से 20 मिनट जब तक ये चावल बॉईल होंगे, हम ग्रेवी बनाएंगे, तब तक इसे रैप करके मैं फ्रीज में रखूँगी। अगर रैपर नहीं है तो आप लीड कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पर रैपर यूज़ कर रही हूँ, प्लास्टिक रैप है ये। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे और ग्रेवी बनाएंगे। देखिए हमारे राइस हो चुके हैं। अराउंड 70-80% मैंने इसे कुक किया है क्योंकि आगे इसे दम में भी जब मैं रखूंगी तब कुक हो जाएंगे। कम्प्लीटली कुक नहीं है ये। सो अब इसे पानी में से निथार के रख दूंगी ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, अब एक कढ़ाई में मैंने बटर लिया है और उसमें लौंग एंड इलायची ऐड किया है। इसे फुल फ्लेम पे रखेंगे। और दूसरे पैन में ब्रशिंग किया है सिर्फ ऑयल का और उस पर जो पनीर मैरिनेशन है वो डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे और यहाँ पे ग्रेवी करेंगे। फिर कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दूँगी शैलो फ्राई। ये बटर गरम हो चुका है। इसमें मैं स्लाइस ऑनियन ऐड करूँगी। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी फाइनली जब टमाटोज। टमाटर गल जाने पे इसमें हम ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर एंड नमक। इसमें 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे। और पनीर भी रेडी हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया, 2 चम्मच जितना। अब इसमें ये 2 चम्मच जितना मलाई ऐड करूँगी। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। दोनों ग्रेवी रेडी हैं, हम हमारी बिरयानी में लेयर्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज वाली ग्रेवी, पनीर क्यूब्स एंड राइस सब रेडी हो गए। अब मैंने माइक्रोवेव सेफ बॉल लिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है तो आप बड़ा सा वॉक ले लीजिए और उसमें ये जो मैं लेयर्स कर रही हूँ वो लेयर्स करके आप गैस स्टोव पे रख दीजिए। मैं यहाँ पे माइक्रो यूज़ कर रही हूँ। बिरयानी के लिए मुझे मोस्ट ऑफ टाइम माइक्रो ही बेस्ट लगता है। अगर आपको चाहे तो आप ये 2 ग्रेवी मिला भी सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग रख रही हूँ। सो सबसे पहले मैं बाउल में थोड़े से राइस लूँगी। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी प्याज वाली ग्रेवी एंड उसके ऊपर पनीर पीसेस। मैंने पनीर क्यूब्स वाला मिक्सचर भी ऐड कर दिया है, वो ऊपर से राइस ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने राइस ऐड कर दिए। अभी से माइक्रो मोड पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे माइक्रो करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए अभी माइक्रो में से निकाल चुकी हूँ मैं और मैं इसे मिक्स करके सर्विंग प्लेट में निकाल के बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स,
पनीर बिरयानी को मैंने बाउल में ले लिया है और ये रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।